हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज्य सरकारी जॉब 24 में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे रीट पेपर 2022 के बारे में, जो कि फ्रेंड्स 24 जुलाई को जिसका भी पेपर हुआ है उसका उस पेपर का पूरा उत्तर आपको यहां पर दिखाने वाला है, जिसमें आपको यहां पर लगभग 100 क्वेश्चनों का विश्लेषण करवाने वाला हूं। ठीक है, 150 आपके यहां पर क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको यहां पर लगभग में 70 से 80 क्वेश्चन, लगभग 100 के लगभग क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको यहां पर देखते हैं शिफ्ट 1 और लेवल 2 का यहां पर क्वेश्चनों के आंसर देने वाला हूं। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो भी कैंडिडेट चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय रहते मिलता रहेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहां पर सबसे पहले हम क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर पहला क्वेश्चन है हमारा, वालर नृत्य है गराचर जाति से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर टू सी है, टू सी आभूषण पहना जाता है, गले में पहना जाता है, व्यक्तिगत शील गुण। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपकी हुआ सेक्शन अभिरुचि से फ्रेंड उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो ये अलग क्वेश्चन है। अभिव्यक्ति का समास कौन सा है, तो इसमें आपको यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, लील टंस पुस्तक के लेखक कौन है, कन्हैयालाल सेठिया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है मातृकुंडिया को, जो कि फ्रेंड जैसलमेर वाला है। ठीक है, मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट है चतुर्भुज चार भुजा से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर मेथ्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन किससे रिलेटेड है ये पता नहीं है, आप चेकआउट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है मरुमहत्व जैसलमेर को कहा जाता है, सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, जे डी होल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वागड़ का गांधी कहा जाता है भोगीलाल पांड्या को, आदिवासी का कुंभ बनेश्वर धाम को कहा जाता है। नेक्स्ट है स्वर्ण मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आया है। ठीक है, जो कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जैसलमेर हो जाएगा, इसका भी राइट आंसर आपको बताएंगे भी। ठीक है, घोड़े वाले बाबा, ठीक है, टोड को कहा जाता है, मोतीलाल तेजावत का गांव कौन सा था, तो कोल्यारी, जो कि फ्रेंड्स उदयपुर में है। अप्रैल में कौन सी संधि में, इसमें आपको यहाँ पर वृद्धि संधि देखने को मिलेगी। वालर पानी किसे कहा जाता है, ठीक है, तो इसका क्वेश्चन यदि आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स हमारा, यहाँ पर देख सकते हैं जो विधि दिवस कब मनाया जाता है, विधि दिवस 4 नवंबर को मनाया जाता है। चिंतन में संधि विच्छेद कौन सा है, ठीक है, तो चिम प्लस तन इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। वराह मंदिर का निर्माण अनोराज चौहान ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिकूल विलोम, ठीक है, प्रतिकूल का विलोम है अनुकूल हो जाएगा। ठीक है, हिंदी का भी आपको देखने को मिल जाता है। ध्वजारोहण में संधि विच्छेद है, ठीक है, तो ध्वज प्लस आरोहण इसका संधि विच्छेद हो जाएगा और इसमें संधि हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय गीत में कौन सा समास है, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर समास विच्छेद पूछा गया है, तो राष्ट्र का गीत हो जाएगा और संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, चतुर्भुज में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, रामायण में संधि, ठीक है, तो रामायण का संधि विच्छेद होता है राम प्लस अयन और इसमें दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्रेव, अत्रेव का संधि विच्छेद क्या होगा, अत्र प्लस एव और इसमें आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक है, वृद्धि संधि में आपको पता है कि डबल मात्राएं आती हैं। सोलर पार्क जो कि भारत का सबसे बड़ा पार्क है कहाँ पर है, ये जोधपुर में हो जाएगा। नेक्स्ट है स, आपको यहाँ पर जो उच्चारण के स्थान के आधार पर आपको यहाँ पर स्वर के भेद बताए गए हैं, तो यहाँ पर स कौन सा स्वर है, तो ये मुर्दूनी स्वर है। ठीक है, और आपको ब भी पूछा गया है, ब भी आपका यहाँ पर मुर्दूनी स्वर है। ए कौन सा स्वर है, ए कंठ तालव्य स्वर है। नेक्स्ट है महता में कौन सी विभक्ति है, इसके बारे में हम नेक्स्ट हम बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूर में संधि विच्छेद कौन सा है। ठीक है, नी प्लस ओनो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा और यण संधि इसमें हो जाएगी। NFC का कब प्रस्तावित हुआ, ये आंसर नहीं पता, आपको पता है तो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अभिप्रेरणा समास है, अभिप्रेरणा में अव्यय भाव समास है। पहला CM कौन था, ठीक है, हीरालाल शास्त्री था। ठीक है, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा गया शायद आपका मनोनीत, ठीक है, पहला मनोनीत आपको यहाँ पर पूछा गया, तो मनोनीत हीरालाल शास्त्री ही है। ठीक है, और पहला भी यही है। ठीक है, यहाँ पर अगुलाल जलधरा यहाँ पर क्या लिखा क्या पता, ठीक है, ऐसा ही बताया गया स्टूडेंट ने जैसा बताया वैसा ही मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो जलधारा कौन सी, हिंद महासागर के आपको यहाँ पर जलधारा से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, तो उसमें आपको हिंद महासागर हो जाएगा। ठीक है, दो राज्यों के मध्य विवाद, तो फ्रेंड्स कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, 131 अनुच्छेद। ठीक है, आपको यहाँ पर आवश्यक का जो विलोम शब्द पूछा गया है तो अनावश्यक हो जाएगा और इसका जो संधि विच्छेद पूछा गया है तो अन प्लस आवश्यक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका यहाँ पर है। नेक्स्ट है अभिव्यक्ति में कौन सा समास है, अव्यय भाव समास हो जाएगा। मनुष्य में कौन सी जाति है, ठीक है,
तो मनुष्य शब्द है, इसे इस तरह का क्वेश्चन आया होगा, तो इसमें जातिवाचक है, ठीक है। बीमारी का पर्यायवाची है, आपको बीमारी का पर्यायवाची पूछा गया था, तो ये आप यहाँ पर दे सकते हैं, ऑप्शन से नहीं बताए गए थे, लेकिन आपको रोग व्याधि और रुग्णता इसके पर्यायवाची है, इनमें से आया है, तो आपको यहाँ पर चेकआउट कर लेना है, ठीक है। हातल गांव का संबंध किससे है, हातल गांव का संबंध सिरोही रियासत से है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा पार्क जो कि मैंने सोलर पार्क बड़ला जोधपुर में बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र कौन सा है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क जो कि फ्रेंड्स पर्णपाती वन क्षेत्र है, जो कि सर्वाधिक वन क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर वीडियो बनाने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा है कि इसके राइट आंसर ढूंढना, ठीक है। फ्रेंड्स जो भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आपको यहाँ पर जो भी क्वेश्चन लेकर आऊँगा नेक्स्ट क्वेश्चन उसका वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आपको सही आंसर मिल सकेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स चैनल को जल्दी से जल्द सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर लाइक कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर दूसरा जिब्राल्टर कहा जाता है, तो अजमेर को दूसरा जिब्राल्टर कहा जाता है, सुमेलित करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पूछा गया है, तो निम्न में से सुमेलित नहीं है, इसमें आपको यहाँ पर पूछा गया है कि लूनी नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो उनमें से पूछा गया था, ठीक है। तो लूनी की सहायक नदियाँ आपको यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको लास्ट में अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है पोस्को, ठीक है। पोस्को एक्ट 2012 में लागू हुआ था, ठीक है। सुनहरा रेशा जूट और पटसन से प्राप्त होता है, ठीक है। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, जूट को कहा जाता है। लोतल कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। लोतल आपको यहाँ पर गुजरात में है, अहमदाबाद में, और कहाँ पर कौन सी नदी पर है, गोवादा नदी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलीफ कर्ण, रिलीफ कर्ण लखनऊ चित्र किसने बनाया था, ठीक है। द रिलीफ कर्ण लखनऊ चित्र किसने बनाया था, जॉम्स जोस बारकर ने बनाया था। गोल्डन गर्ल्स पुस्तक के रचयिता पीटी उषा और लोकेश शर्मा है। चालुक्य की राजधानी एहोल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधि सेवा दिवस कब मनाया जाता है, 9 नवंबर को मनाया जाता है। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिराव फुले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर मेवाड़ के किस शासक का मुगलों से विरोध नहीं हुआ, यहाँ पर थे महाराणा सज्जन सिंह का मुगलों के साथ विरोध नहीं होता, जो कि मारवाड़ के शासक थे मेवाड़ के, ठीक है। यहाँ पर जो थे महाराजा स्कूल वन आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना कब की गई थी, 1857 में, और आपके ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया राम सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण किया था, ठीक है। नेक्स्ट के हैं, नेक्स्ट यहाँ पर सुमेलित करने वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जिसमें एक तरफ आपको यहाँ पर मारवाड़ का जो शासक चंद्रसेन, ठीक है, जालोर का, मेवाड़ का कौन सा ऑप्शन में आपका दिया था, कीर्तिपाल, जबकि यहाँ पर जो है ये कीर्तिपाल जालोर का था, ठीक है, और जयपुर का जय सिंह। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर राइट आंसर मेवाड़ कीर्तिपाल, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वीण का स्वीप कार्यक्रम संबंधित है, तो यहाँ पर चुनाव जागरूकता से संबंधित है स्वीप कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार कौन सी सूची में आता है, तो ये समरवती सूची में आता है। यहाँ पर सरसों अनुसंधान संस्थान जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर सेवर भरतपुर में स्थित हैं, और यहाँ पर 2 अक्टूबर 1993 इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, 20 अक्टूबर को। नेक्स्ट है राष्ट्रपति को शपथ दिलाती है भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, भारत को राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है कातरिया आभूषण कहाँ पर पहना जाता है, कलाई में पहना जाता है, ठीक है, हाथ की कलाई में। नेक्स्ट है राजस्थान का पहला मनोनीत मुख्यमंत्री, ठीक है, तो ये मनोनीत पूछा गया था, हीरालाल शास्त्री हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है कन्हैयालाल सेठिया को 1987 में पुरस्कार मिला था, किसके लिए पुरस्कार मिला था, तो यहाँ पर शब्द के लिए पुरस्कार मिला था। गीत गोविंद चित्र किसका है, तो यहाँ पर मेवाड़ का है, ठीक है। नेक्स्ट है रज्जब की रचनाएं कौन सी है, वाणी और सावरगी, ठीक है, तो आपके ऑप्शन में ये आए हैं, तो आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कांटल की गंगा कहा जाता है, कांटल की गंगा माही को कहा जाता है, और यहाँ पर देखते हैं माही नदी को क्या कहा जाता है, स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहा जाता है, मेवल की गंगा भी कहा जाता है, आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है, जो कि 56 की पहाड़ियों से उसका उद्गम होता है, और यहाँ पर कौन कौन से जिलों में बहती है, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ डूंगरपुर में बहती है, ठीक है, इसका जल क्षेत्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन आने वाले आ गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ गुप्त काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि कहलाती है, यानी कि गुप्त काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि अग्रसारित कहलाती है।
तीसरी राजपूताना सभा का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो अजमेर में हुआ था और इसका सभाकर्ता कौन था, जमनालाल बजाज। ठीक है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है PCPNDP अधिनियम कब आया था, 1994। तो फ्रेंड्स आज के मैंने पूरे क्वेश्चन यहाँ पर करवा दिए हैं, लगभग मैंने आपको यहाँ पर दे सकते हैं 60 से लेकर 70 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर करवाए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड इसके अलावा आपके कोई भी क्वेश्चन बचते हैं तो आपको कमेंट में जरूर बताएगा, मैं उसके आंसर आपको यहाँ पर सटीक आंसर ढूंढ कर आपको दूंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो भी कैंडिडेट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना पल पल की अपडेट्स आपको यहाँ पर पाने के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।